Okay, assalamu alaikum class. Our course for behavioral sciences is almost covered, but now we're gonna talk about your assignments. I will also mention the important stuff in these assignments, because मुझे ये तो पता है कि आपने खुद से जो है ना ये नहीं करनी, ठीक है? I will make short videos about them, ताकि आपको पता चले कि इसमें important points आपने कौन से करने हैं. एंड आई हैव ऑल्सो मेड फ्यू चेंजेस, ठीक है, जो कि नेसेसरी थी हर एक की प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है. तो दिस विल बी सीरीज ऑफ वीडियोज डेट विल टॉक अबाउट असाइनमेंट्स, ठीक है. ये वाले टॉपिक जो है ना आपने गो थ्रू जरूर करने हैं, ठीक है. और बाकी सारी जितनी भी प्रेजेंटेशन हैं, जो आपके असाइनमेंट्स थी, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट थी और वो भी एग्जाम में आएंगी, ठीक है. इसके अलावा बाकी जो कोर्स था वो हमने पहले कवर कर लिया ऑलमोस्ट, ठीक है. आई थिंक एक टॉपिक रहता है वो इसके बाद जो है ना स्ट्रेस और ट्रॉमा के बाद जो कवर करेंगे, ठीक है. ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट फर्स्ट प्रेजेंटेशन इज स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट. इट वॉज मेड बाई ग्रुप 5, ठीक है. दीज आर देयर मेंबर्स. अब आप इस वीडियो जो मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, इसमें आप जो क्वेश्चंस आपको होंगे तो वो मैं भी ऑब्वियसली आंसर करूंगा, लेकिन ये ग्रुप मेंबर्स, आई वांट दिस ग्रुप मेंबर्स टू आंसर दोस क्वेश्चन इफ देयर क्लासमेट्स हैव एनी, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस. ओके, सो ये इसमें चीज, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेस जो है इट्स रिलेटेड टू आवर लास्ट वीडियो लेक्चर, ठीक है. इमोशंस, स्ट्रेस इज एन इमोशन, इट्स अ नेगेटिव इमोशन, ठीक है. तो ये याद रखेंगे, उसी के साथ रिलेटेड है, इसलिए मैंने उसके बाद ये वाली जो प्रेजेंटेशन है ये उसके बाद मैंने जो है डिसाइड किया इसको ये करूँ, ठीक है. सो फर्स्ट, वट इज स्ट्रेस? द रेट ऑफ वियर एंड टियर इन द बॉडी, ठीक है, ऑब्वियसली. इसके अलावा बाकी ये एनी स्टिमुलस टू द बॉडी डेट रिजल्ट इन अ सर्टन फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द बॉडी टर्म डेट स्ट्रेस. अब देखें, आई थिंक रिकॉल इमोशंस, ठीक है, उसमें आई टोल्ड यू फोर, ठीक है, फोर कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन, ठीक है, ऑफ एन इमोशन. फर्स्ट कंपोनेंट कहता है कि फीलिंग थी, इट्स नॉट जस्ट अ फीलिंग, ठीक है. इमोशन जो वो फीलिंग नहीं होती. इसके अलावा बॉडी रिस्पॉन्स क्या होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होती हैं, ठीक है. उसके अलावा उसकी बिहेवियर चेंजेस क्या होती हैं, ठीक है. वो उस इमोशन को फील करके वो अपना बिहेवियर किस तरह चेंज करता है, ठीक है. दीज आर ऑल पार्ट ऑफ एन इमोशन, ठीक है. एंड डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस में भी ये आएगा, ठीक है. इसमें एक तो उसका जो फीलिंग है उसकी नेगेटिव फीलिंग है, उसके अलावा वो जो उसके वियर एंड टियर जो बॉडी के ऊपर है, एंड देन इंड्यूस्ड नॉट स्पेसिफिक इंड्यूस्ड चेंजेस विद इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम, एंड देन बिहेवियर उसकी जो है, ठीक है, चेंजेस क्या होती है. दीज आर ऑल पार्ट ऑफ अ इमोशन, एंड स्ट्रेस इज ऑल्सो एन इमोशन, ठीक है. ओके, सो फैक्टर्स डेट इन्फ्लुएंस स्ट्रेस. अब इसमें आपको बस जनरल आइडिया होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखें हम जो है ना एक स्ट्रेस है, ठीक है. अब डिफरेंट आपके क्लास में 43-44 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. फॉर एवरीबॉडी, ठीक है, दीज स्ट्रेसर्स आर डिफरेंट, ठीक है. किसी को किसी एक चीज से स्ट्रेस होता है, दूसरे को उस चीज से स्ट्रेस नहीं होता, ठीक है. तो ये क्या चीज डिटरमिन करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज परसेप्शन ऑफ इवेंट. आप किसी इवेंट को किस तरह परसीव करते हैं, ठीक है. अगर आप उसको स्ट्रेसफुल परसीव करेंगे, देन ओनली देन यू विल एक्सपीरियंस स्ट्रेस, ठीक है. पास्ट एक्सपीरियंस क्या होते हैं आपके, ठीक है, चाइल्डहुड में क्या एक्सपीरियंस थे आपने, वो तो ऑब्वियसली सुना होगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है. वो उसमें सारे जो है ना आपके ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हैं या नेगेटिव इमोशंस जो आपके पास्ट में हुए हैं, ठीक है. रेस, जेंडर, एज, चाइल्डहुड में किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं होता, ठीक है. स्ट्रेस फ्री लाइफ होती है हमारी एडल्टहुड की. जब एक लेट एडल्टहुड में आप जाना शुरू करते हैं, देन आपकी जो है ना जिंदगी में स्ट्रेस वाली चीजें आना शुरू हो जाती हैं. मैरिटल स्टेटस, ठीक है, ऑब्वियसली मैरिटल स्टेटस इज अ ह्यूज फैक्टर इन स्ट्रेस, ठीक है. मैरिड लाइफ है आपकी, आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचनी चीजें होती हैं, आप फैमिली के बारे में सोचना शुरू करते हैं, ठीक है. सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अ ह्यूज फैक्टर, ठीक है. जिस तरह देखिए, अब इसमें आपको मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको इमोशंस में भी अगर मैं क्लियर नहीं कर सका तो इसमें देखिए. फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक पीपल आर मोर प्रोन टू डेवलप हाइपरटेंशन देन कॉकेशियंस, ठीक है. अब इसमें देखें, इसमें स्ट्रेस का कोई लेना देना ही नहीं है, कहीं स्ट्रेस की बात नहीं हो रही, लेकिन ये चीज याद रखें कि हाइपरटेंशन इसमें स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है. सो इसलिए मैं इस चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है,
कि व्हेन यू टॉक अबाउट इमोशंस, व्हेन यू टॉक अबाउट पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस, यू आर नॉट ओनली गोना टॉक अबाउट फीलिंग्स, ठीक है, यू आर ऑल्सो गोना टॉक अबाउट देयर बायोलॉजिकल चेंजेस एंड देयर बिहेवियर चेंजेस, ठीक है, कि उसके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है उस फीलिंग की वजह से, और फिर उसका बिहेवियर उस वजह से क्या हो रहा है, ठीक है. तो डू नॉट फॉरगेट दैट, ठीक है. हमेशा आप हमेशा से देखिए, हम हाइपर टेंशन क्या है, दिस इज अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस. स्ट्रेस ज्यादा होगा तो हाइपर टेंशन ज्यादा होगी. सो ब्लैक पीपल आर मोर प्रोन टू डिवेलप हाइपर टेंशन कॉकेशन, ये इसकी एक एग्जाम्पल है, ठीक है. इसमें क्या आता है, जेंडर आएगा, रेस आएगी, सॉरी, ठीक है, रेस आएगी इसमें, ठीक है. उसके अलावा उसका जो है ना परसेप्शन ऑफ हो सकता है, वो उसको किसी और तरीके से परसीव करती हूँ, ठीक है. फीमेल्स टेंड टू लिव लॉन्गर एंड रिकवर क्विकर देन मेल्स एंड हैव लेस फिजियोलॉजिकल रिएक्टिविटी टू स्ट्रेस एज कम्पेयर टू मेल्स. सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ जेंडर डिस्पेरिटी बिटवीन स्ट्रेस. ओके, सो स्ट्रेस इज कैन डिवाइड इन टू टू टाइप्स, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. आपको वैसे सब कुछ पता है इसका, ठीक है. फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस इज नॉर्मली जो फिजियोलॉजिकल होते हैं, टेम्परेचर, नॉइस, हंगर, डिजीज, स्मोकिंग, ठीक है, दीज आर सम फ्यू टाइप्स. अब स्मोकिंग जो है वो बॉडी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, ठीक है, ये आप याद रखें. एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो हम बात करें, साइकोसोशल स्ट्रेस जो हम नॉर्मली स्ट्रेस से एसोसिएट करते हैं चीज, ठीक है. हम स्ट्रेस को सिर्फ हम साइकोलॉजिकल समझते हैं, ठीक है, बट इट्स नॉट जस्ट साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है आपका. नॉइस बहुत ज्यादा हॉर्न बजा रहा है, उसकी वजह से आपका स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है. नैगिंग ऑफ योर पार्टनर, जो ये मैरिड लाइफ में होता है, ठीक है, अपने पेरेंट्स की नैगिंग या जिस तरह अपनी जो कोलीग्स की, ठीक है, इस चीज को भी स्ट्रेस में आता है. साइकोसोशल में आगे लो सेल्फ स्टीम, ठीक है, लाइफ इवेंट्स, मैरिज, चिल्ड्रन. ओके, सो फैक्टर्स डेट प्रोड्यूस स्ट्रेस इज नोन एज स्ट्रेसर. ऑब्वियसली शॉर्ट स्पैन भी हो सकते हैं एंड ग्रेजुअल इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस. और ये ग्रेजुअल इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस जो है ना, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है. शॉर्ट स्पैन में तो होता है कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ आपका, ठीक है, लाइफ में, जो आपको उसी वक्त जो है ना आपका स्ट्रेस होता है, जो कि हम इसको इजिली हम इसको टारगेट कर सकते हैं, हिस्ट्री में हम इजिली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बट जो ग्रेजुअल इन्फ्लुएंस स्ट्रेस है, उसके लिए हमें प्रॉपर जो उसकी किसी पेशेंट की या कोई पर्सन आएगा उसकी हमें प्रॉपर हिस्ट्री लेनी पड़ती है उसकी थ्रू आउट लाइफ में. देखें ये इतना इजी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये उसकी जब उसको उस जो पर्सन होता है जो स्ट्रेस फील कर रहा था, उसको इस चीज का आइडिया नहीं होता, ठीक है, कि समथिंग इज इन्फ्लुएंसिंग हिज लाइफ एंड कॉजिंग स्ट्रेस, ठीक है. तो फिर हमें उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी पड़ती है, उसमें देखना पड़ता है कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है, ठीक है, जिसको वो खुद बेशक इजी समझता हो लेकिन उसकी लाइफ में स्ट्रेसफुल हो, ठीक है. ओके, सो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स दैट मीडिएट द स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ये वही आती है चीज आती है कि किसी भी पर्सन में, ठीक है, अब एक पर्सन में स्ट्रेस वो चीज किसी कोई चीज स्ट्रेसफुल है, दूसरे पर्सन में वो चीज स्ट्रेसफुल नहीं है, ठीक है. सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन फर्स्ट कंट्रोल कितना है उसका अपने इमोशंस पे, ठीक है, पेशेंट का, उसका ईक्यू कितना है, ठीक है, वो अपने इमोशंस कितना इजिली कंट्रोल कर सकता है, ठीक है. अब इसमें वही बात आती है कि जो फीमेल्स हैं वो इजिली अपना स्ट्रेस हैंडल कर लेती है बिकॉज दे हैव मोर कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस देन मैन, ठीक है, ये चीज याद रखें, ठीक है. एंड नीड ऑफ स्टिमुलेशन, ठीक है, ओपननेस टू चेंज, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आपको पता ही है, ठीक है, कि जो क्लोज माइंडेड पीपल होते हैं, फिर उनको थोड़ी माइनर सी चीज भी जो उनके वो रूटीन के मुताबिक ना हो तो उनको उसका स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सोशल सपोर्ट, यूज ऑफ डिनाइल, ठीक है, डिनाइल ये हम जो है ना डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है. अगर किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, ठीक है, फिर वो जो है, ठीक है, वो भी स्ट्रेस कॉज कर सकती है. एंड सोशल सपोर्ट, ठीक है, इसकी फैमिली है कि नहीं है, ठीक है. अब हम इसमें एक सुसाइडल पेशेंट की अगर हिस्ट्री लें, ठीक है, उसमें ये बहुत मैटर करता है कि उसकी सोशल सपोर्ट, ठीक है, इफ ही हैज अ इमीडिएट फैमिली, ठीक है, जो उसके साथ प्यार करती है, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, देन नो वन विल कमिट सुसाइड, ठीक है. तो सोशल सपोर्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसका स्ट्रेस को हैंडल करने में, स्ट्रेस मैनेज करने में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि पर्सन को अपने बारे में पता हो कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, ठीक है, कि वो अपने उसके जो बेसिकली वो देखे वो हैंडल कर सकता है कि नहीं, किसी चीज को मैनेज कर सकता है कि नहीं कर सकता, व्हेन विल ही नीड हेल्प, ठीक है. तो ये उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस. ओके, सो दिस इज अ कंसेप्ट हार्डीनेस, ठीक है. इसमें क्या है कि पेशेंट पीपल हु सफर स्ट्रेस एंड स्टे हेल्दी डिफर्स इन हार्डीनेस फ्रॉम द पीपल हु गेट इल, ठीक है. ये उसी चीज को हम जो है ना बार बार स्ट्रेस कर, सो आई वाना आई ऑल्सो वाना स्ट्रेस ऑन दिस के दिस इज
वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, ठीक है, कि वाई सम पीपल गेट स्ट्रेस वाइल अदर्स डोंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारे फैक्टर्स जो मैंने पीछे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बोले हैं, ठीक है, स्ट्रेसर जो होते हैं, ठीक है, ये सारे दीज आर डिफरेंट फॉर एवरी वन, ठीक है, ये हर बंदा जो है ना, तो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ हार्डनेस, ठीक है। इसको हम इसने प्रॉपर हमने टर्म दे दिया हार्डनेस, ठीक है। वॉट इज हार्डनेस, ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो होंगे वो स्ट्रेस सफर करेंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, ठीक है। कुछ लोग स्ट्रेस को जो फील कर रहे हैं, उनके लाइफ में स्ट्रेस है लेकिन उसको वो मैनेज इजीली कर रहे हैं, तो दीज पीपल डिफर इन हार्डनेस, ठीक है। अब हार्डनेस क्या है, इज अ पर्सनल करेक्टरिस्टिक कंप्राइजिंग ऑफ द थ्री सीज इन विच इंडिविजुअल हैज सेंस ऑफ कमिटमेंट। फर्स्ट इज कमिटमेंट, ठीक है। इफ अ पर्सन इज हाईली कमिटेड टू सेल्फ वर्क एंड फैमिली, he won't even have time to talk, to feel his stress, ठीक है, so he will definitely definitely manage his stress very easily, ठीक है। first, second is control, these are very important, ठीक है, commitment, then control over one's life, ठीक है, third change, ठीक है। अब देखें इसमें वही चीज आ जाती है कि openness उसकी कितनी थी, ठीक है। If he is ready to change, ठीक है, then he will accept everything, ठीक है, as a challenge rather than a threat, ठीक है, कि वो उसको as a challenge लेके किसी stressful event को he is ready to change, ठीक है, उसकी life में कोई stressful event he is ready to change, ठीक है, these three are important. We also included a fourth C, ठीक है, coherence, कि patient कितना coherent है अपने environment के साथ और अपना work के साथ, ठीक है. It is believed that one's internal and external environments are predictable. And that things will work out just fine, ठीक है? अगर वो कहे कि यार ये मेरा environment है, ये ठीक है, इसमें थोड़ी सी changes आ भी गई हैं, ठीक है? तो उसको उस लिहाज से जो ना वो easily जो है ना उसको work around कर लेगा, ठीक है? कि वो कहेगा यार के ठीक है, अच्छा ये environment में normal चीज यही होती है, ठीक है? इसको हम कहते हैं coherence है, वो patient जो है उसके साथ अपने environment के साथ coherent है, ठीक है? तो these are four C's, ठीक है? थ्री सीज तो मस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये फोर्थ सीज जो है ना अभी प्रॉपर इंक्लूड नहीं हुआ इस सीज में, लेकिन इट हैज इमर्ज्ड एज अ फोर्थ सी, ठीक है, रिसेंट स्टडीज में आ रही है अभी साथ, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। ओके, सो फर्स्ट वाज द फीलिंग पार्ट, कि वो पेशेंट फील करते हैं कि नहीं करते, ठीक है, एंड देन विल गो टू बॉडी रिस्पॉन्स, ठीक है, as you all know it can be physical, emotional and behavioral, ठीक है, okay, so first sympathetic and parasympathetic, ठीक है, these are very very important, क्योंकि stress का जो patient होगा उसका जो वो thinking brain जो conscious involved नहीं होगा, ठीक है, वो subconsciously सारा ये feeling कर रहा होगा, जो चीज उसको feel हो रही है, ठीक है, so subconsciously मैं आपको पता autonomic nervous system में sympathetic and parasympathetic system जो है ना यही role play करेंगे। ओके, सो सिंपथेटिक सिस्टम, दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इसमें प्रेजेंटेशन में। सिंपथेटिक सिम्टम्स स्टिमुलेटेड व्हेन स्ट्रेस इज अक्यूट, मोस्टली अक्यूट स्ट्रेस में सिंपथेटिक पार्ट जो होगा ना आपका सिस्टम का वो स्टिमुलेटेड होगा, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, डायलेट पीपल्स। आपने कभी कोई उसका जो है एंग्जाइटी का पेशेंट देखा आपने, ठीक है, कभी कोई एंग्जाइटी का पेशेंट देखा हो आपने, पैनिक अटैक्स जिसको होते हो, कभी आपने किसी को पेशेंट देखा हो डील किया हो, ठीक है, सो जो पैनिक अटैक है एंग्जाइटी है, दिस इज अ स्ट्रेस, ठीक है, जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस एक्युमुलेट हो जाता है तो पेशेंट जो है ना वो एंग्जाइटी फील करता है, और एंग्जाइटी के जो एक्सट्रीम है दैट इज पैनिक अटैक, पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है, उसमें ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपथेटिक सिस्टम, ये पेशेंट मैं आपको कहता हूँ कि हमारे पास जो अगर आप गवर्नमेंट एज अ डॉक्टर, ठीक है, अगर मैं गवर्नमेंट की इमरजेंसी कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास जो पेशेंट आएंगे विद चेस्ट पेन, ठीक है, चेस्ट पेन जो जिसको हम कार्डिक चेस्ट पेन कहते हैं, दैट इज एन इमरजेंसी, ठीक है, और इमरजेंसी में काफी ज्यादा पेशेंट इस चीज के आते हैं, ऑलमोस्ट 30% ऑफ दोज पीपल दे हैव नॉर्मल ईसीजी, ठीक है, उनका कोई हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, लेकिन जो हमारे मोस्टली जो मेडिकल जो प्रोफेशंस के लोग हैं, डॉक्टर हैं जो, ठीक है, वो उनको डायग्नोस नहीं कर सकते, उनकी प्रॉपर हिस्ट्री नहीं ले सकते, एक तो टाइम नहीं होता गवर्नमेंट सेटअप्स में, लेकिन उनकी प्रॉपर हिस्ट्री भी नहीं ली जाती कि उनकी वो स्ट्रेस जो होता है वो कॉज कर रहा होता है वो चीज, ठीक है,
सो दिस सिम्थेटिक एक्टिवेशन याद रखें हमेशा, ये सिम्टम स्ट्रेस के साथ बहुत ज्यादा हाईली एसोसिएटेड है, ठीक है। इसको मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ इस चीज पे, ठीक है। अक्यूट मोस्टली कंडीशन में होता है। पेशेंट विल प्रेजेंट विद इंक्रीज्ड हार्ट रेट, डायलेटेड प्यूपल्स, ड्राई माउथ, ठीक है, गूज बम्स जिसे कहते हैं, ठीक है, पाइरोरेक्शन होती है, ये जो हेयर जो होते हैं आपकी स्किन के ऊपर इनकी जो है ना ये खड़े हो जाते हैं, ठीक है। रैपिड ब्रीथिंग एंड इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर स्टमक में, जो हमारे पेप्टिक अल्सर डिजीज के पेशेंट हैं, ठीक है, जो प्रॉपर जिनको जो है ना गैस्ट्रिक सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ठीक है, इनडाइजेशन के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, दीज आर ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट बर्न आता है, नॉजिया, मसल एड, ठीक है, ये चीज याद रखें आप, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिम्टम आपने हमेशा से, जब भी आपका पेशेंट कोई इस तरह का आप मिले जिसको ये सिम्टम्स आ रहे हो, ऑलवेज ऑलवेज थिंक अबाउट स्ट्रेस, ठीक है, क्योंकि आजकल के लाइफ में आपको सबको पता है कि स्ट्रेस इज वेरी कॉमन, ठीक है। हर पेशेंट जो है ना वो किसी ना किसी तरीके से अंडर स्ट्रेस है, ठीक है, वो एंग्जाइटी है या नहीं है, ठीक है, उसको वो स्ट्रेस को किस तरीके से हैंडल कर रहा है, किस तरीके से हैंडल कर रहा है, तो वो दैट इज डिफरेंट, ठीक है। लेकिन हमेशा ऑलवेज ऑलवेज थिंक अबाउट दिस सिम्थेटिक सिम्टम्स व्हेन टेकिंग हिस्ट्री एंड व्हेन यू मेकिंग अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। अब इसमें देखें, जो पैनिक अटैक का पेशेंट आएगा उसकी प्रेजेंटिंग सिम्टम्स यही होगी कि उसकी हार्ट पेन होगी बहुत ज्यादा, ठीक है, उसका हार्ट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, उसकी ब्रीदिंग रैपिड ब्रीदिंग होगी, वो कहेगा सर मुझे मुझे वो कहेगा मुझे सांस ही नहीं आ रहा, ठीक है, आई एम गोना डाई, यही पेशेंट कहता है, ठीक है, जब उसको सांस का मतलब है तो वो उसका पैनिक और इंक्रीज होता है, ठीक है, ये चीज याद रखें, जिस ज्यादा एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं, ठीक है, ओके ओके। सो नेक्स्ट आर पैरासिम्थेटिक सिम्टम्स, ठीक है, स्टिमुलेटेड व्हेन स्ट्रेस इज क्रॉनिक। अब ये जिस तरह क्रॉनिक पेशेंट, क्योंकि स्ट्रेस मोस्टली जो लोग जो जिसको अक्यूट हैंडल नहीं कर सकते हैं, या अभी जो है ना उसके अक्यूट सिम्टम्स नहीं आए, ठीक है, क्रॉनिकली पेशेंट जो है ना वो ये फील कर रहा होता है नॉर्मली, ठीक है, उसको इंक्रीज हंगर, डिलेड गट मोटिलिटी, कॉन्स्टिपेशन आ गई आपके इधर, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, इंक्रीज स्वेटिंग, डिस्टर्ब स्लीप साइकिल, दीज आर आर सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। आपकी लाइफ में आप खुद भी नोट करें, आपको अगर कुछ स्ट्रेस फील हो रहा है तो आपको ये चीज सबसे पहले तो आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा, ठीक है, आपकी जो है ना हंगर चेंजेस आएंगी, ठीक है, डिक्रीज हंगर भी हो सकती है, ठीक है, डिलेड गट मोटिलिटी है, इंक्रीज स्वेटिंग है, दीज आर सम पैरासिम्थेटिक सिम्टम्स। इसके अलावा और भी पैरासिम्थेटिक सिम्टम्स आपको आ सकते हैं, ठीक है। बोथ सिस्टम्स ऑपरेट थ्रू हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, HPA एक्सिस इसको हम कहते हैं, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एंड एड्रिनल एक्सिस, ठीक है। अभी आपको मैंने इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, फर्स्ट आपको पता होना चाहिए हार्डनेस, व्हाट इज हार्डनेस, उससे पहले आपको कुछ पता होना चाहिए कि व्हाई पीपल डिफरेंट, ठीक है, कि उसमें कुछ लोग जो है ना वो स्ट्रेस को इजीली हैंडल कर सकते, कुछ लोग नहीं कर सकते, वो इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद फिजिकल सिम्टम्स में सिंथेटिक एंड पैरासिम्थेटिक सिस्टम, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, HPA एक्सिस क्या होता है।